टाइटल अच्छा है जी रहम। एक से मालूम पड़ता है कि कुछ गंभीर मुद्दे पर फिल्म बन रहा है, तो जैसा टाइटल है उसी अनुरूप इसकी स्टोरी भी अच्छी है। इसमें जो है लेडीज सेंटिमेंट से लेके एक्शन, और इसमें मैं डबल रोल में कर रहा हूँ। इसमें मैंने बताया कि जैसे मेरा डबल रोल है तो उसमें एक लाखन होता है, एक दूसरा कैरेक्टर अर्जुन होता है। तो सिनेमा में जो है थ्रू आउट कैरेक्टर है। अब पूरा जो स्टोरी लाइन तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट इसमें ये है कि बचाने वाला काम भी करता है, बदला लेने वाला काम भी करता है। और मुझे काफ़ी उम्मीद है चिरहरन से कि एक काफ़ी अच्छी मूवी जो है मेरे दर्शकों के बीच में आने वाली है। काजल राघवानी जी के साथ में पहले हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छा था, लेकिन अभी और अच्छा है। कुछ आगे सिलसिला बढ़ सकता है, प्यार बढ़ सकता है? प्यार एकदम, बाबरे प्यार तो प्यार के बिना फिर कहाँ होगा। नहीं, इसमें सभी चीज़ है। देखिए स्टोरी लाइन तो डेफिनेटली भी अच्छा है, और काफ़ी समय बाद एक इस तरीके की मूवी कर रहा हूँ मैं, जो एक जिसमें फैमिली ड्रामा है, बहुत सेंटिमेंट है, लेडी सेंटिमेंट है, रिवेंज है, डबल रोल का जो सस्पेंस है वो है, एक्शन है, तो काफ़ी है। मतलब सारी चीज़ें कोशिश की जा रही है कि हर चीज़ से मजबूत रहे ये सिनेमा, इसका सभी पक्ष जो है स्ट्रॉन्ग हो, और मुझे लगता है कि है भी। हाँ, मैसेज ये है कि अब जिस तरीके से महिलाओं को महिलाओं को लोग जिस तरीके से कमज़ोर समझते हैं कि भाई वो कमज़ोर होती है, उनके साथ में ज़्यादती हो जाती है, तो उस तरीके से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक महिला भी अपना जो है विकट रूप ले सकती है, या मतलब इस तरीके का अगर समाज में नेगेटिव लोग हैं जो महिलाओं को डोमिनेट करते हैं, या महिलाओं को उनकी इज्जत के साथ में खेलते हैं, है ना, उसको पाने के लिए उसका घर बर्बाद कर देते, तो वहीं पर एक हीरो भी है, अर्जुन है, जो उसके बाद में जो है उसको सपोर्ट करता है और उसको हिम्मत देता है, हौसला देता है, और इस तरीके से जाके एंड फाइनली वो जो विलेन लोगों का खात्मा किया जाता है। चिरहरण एक्चुअली फीमेल पे ही होगा, चिरहरण तो लड़की पे ही होना है, हीरोइन पे ही होना है, बट जो विराट जी का है मेरे एक तो मेरे हस्बैंड दिखाए हैं, और जो सेकंड वाले विराट जी है सो वो मुझे हिम्मत देते हैं कि मैं अपने जो मुझे रिवेंज लेना है अपने पति का, उनको कैसे मुझे ख़त्म करना है, सारी चीज़ें वो मुझे ट्रेन कर रहे हैं कि, और वो लाइक इस तरह से मुझे क्या बोलते हैं हिम्मत देते हैं कि किस तरह से मजबूत बनाते हैं, मजबूत है, हाँ मजबूत बना रहे हैं, और खुद से लड़ना सीखो सारी चीज़ें, अदरवाइज मैं तो सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती हूँ, मैं मरने जा रही होती, लेकिन ये मुझे उम्मीद जगाते मेरे अंदर कि तुम्हें जीना चाहिए और तुम्हें उन लोगों से बदला लेना चाहिए जिन्होंने तुम्हारा घर तोड़ा है, तुम्हारे पति को छीना है, सारी चीज़ें। बदला लेने के लिए मैंने एक्शन सीख रही हूँ, और मैं हीरो के कंधे से कंधा इस बार मिलाने वाली हूँ। इस बार सिर्फ मैं डांस नहीं करने वाली ना एक्टिंग करने वाली हूँ, इस बार मैं एक्शन भी करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखना। अब विराट जी को तो कोई कंपैरिजन नहीं है मेरी, बिकॉज मेरी फर्स्ट फिल्म है, और वो तो खुद एक्शन का क्या होता है, एक्शन का अब काजल और मेरा कंपटीशन नहीं है एक्शन में। एक्शन एक्चुअली स्टोरी लाइन में जब महिला एक्शन करती है तो उसका महत्व अलग होता है ना। और जैसे इसमें मेरे दो कैरेक्टर है, तो उसमें भी एक है भोला भाला जो ये कैरेक्टर है लाखन है, जो तो ये कैरेक्टर अपनी पति पत्नी की हिफाजत नहीं कर पाता है, इसको किसी तरीके से लोग फंसा के इसकी मजबूरी का फ़ायदा लेके इसको मार भी देते हैं, और उसकी बीवी के साथ में बहुत अन्याय करते हैं, है ना, दोनों को मार के फेंक देते हैं, और किसी तरीके से जो है बीवी बच जाती है और हस्बैंड जो है मर जाता है, तो बड़े सदमे में होती है। कंपटीशन नहीं है। बाद में जो दूसरा कैरेक्टर जब मिलता है उनको, तो फिर उसके जरिए जब इनका जो कहानी उसको मालूम पड़ती है, तो उसके जरिए फिर ये एक मजबूत बनती है। इनके जरिए मैं अपने दुश्मनों का खात्मा करती हूँ। मैं आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें, और हार्ड वर्क करिए, और फैमिली को खुश रखिए, और अपनी नया साल के साथ में नया जीवन का शुरुआत करिए। यस, और जो है सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं,
कि आपका आने वाला जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, मंगलमय हो, और यही बोलना चाहती हूँ। ये जो फिल्म है ये चीरहरण नाम है इसका, बहुत ही अच्छी मूवी बन रही है और इसमें मैं नेगेटिव करेक्टर जो खलनायक कहते हैं आप, वो खलनायक का किरदार मैं निभा रहा हूँ। विराज जी और काजल जी दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों मजे हुए कलाकार हैं और विराज जी तो काफ़ी काम किए हैं, काजल जी भी काम कर रही हैं, दोनों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक सवाल है कहानी की, तो कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, महिला सशक्तिकरण पे ये कहानी है। नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है चाहे वो जिस तरह का भी हो, लेकिन इसमें मैं इसमें यादव, मेरे कैरेक्टर का नाम है यादव जी हैं, जो कि बहुत ही दबंग आदमी हैं और थोड़ा सा बदमाश प्रवृत्ति के हैं वो, यही कहानी है और बस आगे काम होते जाता है, कांड हो जाता है। काजल जी के साथ तो अभी हम एक दिन ही शूट किए हैं, लेकिन आगे अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और वो कोऑपरेट भी करेंगी और मैं अपना किरदार निभाऊंगा बढ़िया से, कोशिश करूँगा।